यह एपिसोड ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट में चल रहे ट्रेंड और सर्विस के तरीकों को देखते हुए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैकेनिक टीवी हिंदी के BS6 टेक अड्डा सीरीज में आज हम करेंगे BS6 गाड़ियों में DLC कपलर की टेस्टिंग। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें मैकेनिक टीवी हिंदी को और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, गाड़ी में स्कैनर कनेक्ट करने के दौरान अगर कम्युनिकेशन एरर का प्रॉब्लम दिखे तो ऐसा DLC कपलर वायरिंग में फॉल्ट आने से हो सकता है। ऐसे में DLC कपलर की जांच करनी चाहिए। DLC कपलर में ज्यादातर 4 वायर्स दिए जाते हैं, बैटरी सप्लाई, कैन हाई, कैन लो और ग्राउंड। बैटरी सप्लाई वायर की जांच करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पर सेट करके उसके रेड प्रोब को DLC कपलर के ब्लैक रेड वायर से और ब्लैक प्रोब को ग्राउंड वायर से कनेक्ट करेंगे। रीडिंग 12 वोल्ट के आसपास आ रही है, इसका मतलब वायर सही है। रीडिंग सही ना आने पर दोनों वायर्स की जांच करेंगे। कैन हाई वायर की टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC में सेट करके उसके रेड प्रोब को ऑरेंज वाइट वायर से और ब्लैक प्रोब को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। हमें रीडिंग 2.48 वोल्ट देखने मिल रही है, इसका मतलब वायरिंग सही है। रीडिंग 2 से 3.3 वोल्ट के बीच ना आने पर वायरिंग की जांच करेंगे। कैन लो वायर की टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC में सेट करके उसके रेड प्रोब को ब्लू वाइट वायर से और ब्लैक प्रोब को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। हमें रीडिंग 2.48 वोल्ट देखने मिल रही है, इसका मतलब वायरिंग सही है। रीडिंग 2 से 3.3 वोल्ट के बीच ना आने पर वायरिंग की जांच करेंगे। अब हम DLC कपलर में वायरिंग के शॉर्ट की जांच करेंगे, जिसके लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करके उसके रेड प्रोब को DLC ग्राउंड से और ब्लैक प्रोब को व्हीकल ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। अगर बीप की आवाज आए तो इसका मतलब वायरिंग सही है। अब ये प्रोसेस DLC ब्लैक रेड वायर और ECU के पिन नंबर 1, DLC ऑरेंज वाइट वायर और ECU के पिन नंबर 4 और DLC ब्लू वाइट वायर और ECU के पिन नंबर 5 के साथ रिपीट करेंगे। अगर सब में बीप की आवाज आए तो इसका मतलब DLC के सभी वायर सही हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मैकेनिक टीवी हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।